उधर छत्तीसगढ़ का एक और बड़ा मुद्दा, 15 मई से छत्तीसगढ़ के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व संबंधी काम राज्य में ठप्प पड़े हुए। राजस्व विभाग के अति आवश्यक कार्यों में बाधा को देखते हुए राज्य सरकार ने हड़ताल पर एस्मा लगाया। बुधवार को राज्य सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी की, लेकिन इसके बाद भी पटवारी संघ की हड़ताल लगातार चल रही है। एस्मा लगाए जाने से नाराज पटवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आदेश की कॉपी भी जला दी। तस्वीरें आप देखिए प्रदर्शन की, मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। विगत 24 दिनों से राजस्व पटवारी जो है वो हड़ताल पर है और राज्य सरकार के द्वारा पटवारियों के हड़ताल के खिलाफ एस्मा लगाया गया है और इस संबंध में बीते दिनों राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी राजस्व पटवारी जो हड़ताल पर है। इस वक्त हमारे साथ राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। तो एस्मा लगाने के बाद भी आप लोग हड़ताल पर है, आगे आप लोगों की और क्या रणनीति रहेगी? देर से बात है, हमारा आंदोलन का रुख तेज करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा, सरकार ने एस्मा जरूर लगाया है मगर उसकी कापी हमको आज तक नहीं भिजवाए हैं, एक बात। दूसरी बात, एस्मा लगाने से पहले उन्होंने किसी प्रकार नोटिस भी नहीं भेजा, जबकि हमने बातचीत का रास्ता हमेशा खोल के रखा है। हम शासन से अभी भी चाहेंगे कि आए बातचीत करें हमसे, और अगर नहीं करते तो आंदोलन तो जारी रहेगा। जब तक हमारी 8 मांग पूरी नहीं हो जाती हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। अब शासन चाहे एस्मा लगाए, जेल में भरे, फांसी चढ़ाए, या जैसा जो करना चाहे, जितने रूप से प्रताड़ित कर सकते कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर जिले में विगत 24 दिनों से आप लोगों का हड़ताल जो है वो जारी है और जिससे राजस्व विभाग के सारे काम भी जो है वो ठप हैं। आम जनता को भी परेशानियां हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता को भी परेशानी हो रही है। तो हम लोग आज 25वां दिन है हड़ताल का। सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण आमंत्रण या चर्चा के लिए बुलावा नहीं आया है, और हमारे विभाग से जितने भी संबंधित काम हैं, जो अन्य विभाग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी काम ठप है। देखिए वेतन भी संग